जब गाना बज रहा हो तमंचे पर डिस्को और तमंचा ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये वायरल हो रहा वीडियो और कहीं का नहीं बल्कि झांसी सदर थाने का है, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ साथ सादे कपड़ों में भी कुछ लोग डीजे पर तमंचे पर डिस्को गाने पर डांस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सदर थाने परिसर में पुलिस कर्मियों के डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं तमंचे से फायरिंग भी हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि थाने परिसर में डीजे लगा है, डीजे पर गाने भी बज रहे हैं, साथ ही खाकी वर्दी और सादे ड्रेस पहने हुए कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। इनमें कई लोग कार्यक्रम के दौरान मदहोश नजर आ रहे हैं। सभी लोग तमंचे पर डिस्को गाने पर डांस कर रहे हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति ने असलाह से फायरिंग कर दी। वहीं इस थाना परिसर में डीजे पर डांस करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ झांसी एसएसपी शिवहरि मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है। एएसपी ने कार्रवाई करते हुए 9 सिपाहियों एक उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया है, साथ ही 7 थानेदार को लाइन हाजिर भी कर दिया। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम में उसके घर वालों के द्वारा डीजे बजाया जा रहा था थाना परिसर में। उसी दौरान कुछ आरक्षी और सब इंस्पेक्टर के द्वारा आकर डांस किया गया, जिसमें कुलदीप सिंह यादव नामक आरक्षी के द्वारा अपने असले का प्रदर्शन किया, जिसका तथ्य संज्ञानित होते ही तत्काल 9 आरक्षी एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है, थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है, संबंधित कर्मचारी का असला सीज कर लिया गया है, FIR दर्ज कर ली गई है और इस तरह की अनुशासनहीनता के लिए विभागीय जाँच इन अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रारंभ कर दी है। अब सवाल यह है कि थाना परिसर में जब कानून के रखवाले ही इस प्रकार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो वो आम व्यक्तियों को किस प्रकार से रोक पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए झांसी से शहजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।